हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दादा राइस में। और ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा पॉवर्टी का। पिछले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी बाय वेरियस कमिटीज इन इंडिया। फॉर एग्जांपल लकड़ा वाला कमेटी की रिकमेंडेशन देखी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन देखी, सी रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन भी देखी। फाइन, फिर पिछले टॉपिक में कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी में हमारा एक इंडेक्स छूट गया था, तो उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। इस बार फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी देखेंगे, फिर फाइनली आखिरी लेक्चर में मेजर देखेंगे कौन कौन से गवर्नमेंट ने लिए हैं पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। तो आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, कि ये MDP क्या है, काफी न्यूज में था, आपने काफी सुना होगा इसकी, अभी भी दैट मीन डेटा रिलीज हुआ था। फाइन, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो MDP है वो अप्रोक्सीमेटली 100 डेवलपिंग कंट्रीज में क्या करती है, पॉवर्टी को कैलकुलेट करती है। ठीक है, अब इसका भी कुछ पैरामीटर होगा। ठीक है, तो अभी पैरामीटर देखेंगे, उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसे कौन कौन कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो आप प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, काफी पीएससी प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी डेटा रिलीज हुआ है। इट इज कैलकुलेटेड सिंस 2010। ठीक है, 2010 से कैलकुलेट किया जा रहा है बाय UNDP। सब आप जानते हैं UNDP को जानते हैं, एंड ऑक्सफर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, तो दो बॉडीज मिलकर इसे हमारे MDP को कैलकुलेट करती है। फाइन, और 2010 से कैलकुलेट किया जाता है, 100 डेवलपिंग कंट्रीज में इसका कैलकुलेशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब डेटा होता था बढ़ गया होगा। ठीक है, और याद रखना, इसी ने कहा था, इसी दैट मीन्स इंडेक्स ने कहा था कि इंडिया में 52% पुअर हैं। अब ये बिल्कुल दैट मीन्स इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड फैक्ट कि इंडिया में 52% पुअर है। हम जानते हैं कि हमारे इतनी पॉवर्टी नहीं है, हमारे मतलब बंदों के पास इतना तो है कि थोड़ा बहुत कैसे भी कर कुरा के इतना पैसा कमा लेती कि दिन का उनका आराम से गुजर बसर हो जाए। ठीक है, तो दिस फैक्ट वॉज स्ट्रेट अवे डिनाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उन्होंने इस पॉवर्टी जो MDPI उसकी जो इंडेक्स के जो पैरामीटर थे उनको ही चैलेंज किया, बोला कि नहीं ये डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज के हिसाब से है, थोड़े हमारे लिए पैरामीटर्स थोड़े लीनियंट होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब उन्होंने कहा। और एक चीज और, इसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्यों कहते हैं, मतलब इसे मल्टी क्यों कहते हैं, मल्टी डायमेंशनल क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें 10 पैरामीटर्स का यूज करके पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है, मतलब 10 फैक्टर्स को यूज किया जाता है, इसके बाद पॉवर्टी को कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, हम मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। आगे मूव करते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से मल्टी डायमेंशनल 10 फैक्टर्स है। याद रखना, मतलब इन 10 फैक्टर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस 10 फैक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हमारे सामने आता है हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के अंदर हमें 2 फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। फिर आता है एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर भी हमें 2 फैक्टर्स को देखने को मिलते हैं। और फिर आता है लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर हमें 6 फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो 2 + 2 + 6 = 10। ठीक है, तो 10 फैक्टर्स हो गए हमारे टोटल इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो हम सबसे पहले तीनों फैक्टर्स के अंदर जाके देखेंगे कौन कौन से फैक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो हेल्थ में 2 फैक्टर हैं। 2 फैक्टर कौन कौन से, पहला है चाइल्ड मोर्टिलिटी और दूसरा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन सब जानते हैं ना, आपने काफी होने दैट मीन्स न्यूज पेपर में काफी बार पढ़ा होगा इसके बारे में। तो जो पहला पैरामीटर है दैट इज चाइल्ड मोर्टिलिटी। देखो, चाइल्ड मोर्टिलिटी पैरामीटर क्या कहता है, ये फैमिली के ऊपर है। ठीक है, दैट मीन्स ये इंडिविजुअल के ऊपर नहीं है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब लोग मतलब फैमिली के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, जस्ट बिकॉज इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था रंगराजन कमेटी के दौरान। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कॉन्सेप्ट था, फिर मैंने आपको थोड़े सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश की थी। ठीक है, तो सी रंगराजन कमेटी ने जैसे कि दैट मीन्स अब वर्ल्ड वाइड हम फैमिली के ऊपर ही, दैट मीन्स अब किसी इंडिविजुअल को हम लेके पॉवर्टी कैलकुलेट नहीं करते, अब कैलकुलेट पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली। ठीक है, सी रंगराजन कमेटी ने भी सेम फैमिली का यूज किया था। फाइन, तो इसने क्या बोला, हमारे हेल्थ के अंदर पहला पैरामीटर है, पहला पैरामीटर में बोला कि अगर किसी भी फैमिली में पिछले पांच साल में अगर किसी भी बच्चे की डेथ 5 साल से कम हुई हो, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 2010 में चालू हुआ, तो आप कह सकते हैं 2005 से लेके 2010 तक, अगर इसके बीच में, ठीक है लाइन दी, इसके बीच में अगर किसी भी बच्चे की डेथ हुई हो जो 5 साल से कम हो, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड मोर्टिलिटी के अंदर आ रहा है, मतलब ये वाले पैरामीटर में फिट नहीं भेज रहा है, और ही विल बी कंसिडर्ड एज डिप्राइव्ड ऑफ दिस पैरामीटर। मतलब कि 2005 से 2010 के बीच में जिसकी मतलब किसी वहाँ पर कोई भी फैमिली में अगर 5 साल से कम, दैट मीन्स 5 साल से अगर बच्चा कम हुआ और उसकी डेथ हुई है, तो ही विल बी डिप्राइव्ड ऑफ चाइल्ड मोर्टिलिटी, मतलब ये वाले पैरामीटर से डिप्राइव, मतलब ये वाला पैरामीटर कैंसिल करते, वाला पैरामीटर आपके पास नहीं है। तो 10 पैरामीटर से आपका एक पैरामीटर गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब ये कि लोगों में मतलब ऐसी कंडीशन हो गई, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली में एक से ज़्यादा लोग, दैट मीन्स उनकी एज तो हो गई है 50 साल, लेकिन हाइट अभी भी दैट मीन्स 15-16 साल बच्चे की है। फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अगर आपके यहाँ कभी कोई लेबर काम करने आता है, उनमें जो बाइयाँ आती है उनमें क्या रहता है,
आपने देखा होगा कि उनमें जो मैक्सिमम वुमेन रहती है उनकी एज तो आप पूछेंगे वो 30-32 साल रहती है, लेकिन उनकी हाइट आपसे भी कम रहती है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज माल न्यूट्रिशन। या फिर दूसरा एग्जाम्पल ये होता है माल न्यूट्रिशन का कि आपकी दैट मीन्स हाइट से ज़्यादा वेट है। फॉर एग्जाम्पल आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ये, क्योंकि दैट मीन्स हाइट कुछ और होनी चाहिए थी। दैट मीन्स अगर आपकी हाइट 15 साल के हिसाब से 5 फुट होनी चाहिए, लेकिन आपका वेट हो गया 60-70 किलो। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब इससे सिर्फ दैट मीन्स पुअर इम्पैक्टेड नहीं रहते हैं, दैट मीन्स जो अमीर बंदे भी इम्पैक्टेड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुकेश अंबानी का जो बेटा था उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, उसकी हाइट के हिसाब से उसका वेट ज़्यादा था, तो ही वॉज कंसिडर्ड एज अ माल न्यूट्रिशन पर्सन। ठीक है, मतलब आप सिंपल कह सकते हैं कि अब जो भी बंदा फैमिली में इन सब चीज़ों से डिप्राइव्ड है तो ही विल बी दैट मीन्स ये पैरामीटर्स के लिए भी कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पैरामीटर मुकेश अंबानी साहब की फैमिली के लिए भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज उनके बेटे भी माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे थे। ठीक है, समझ गए ना, स्टंटेड और वेस्टिंग दोनों आएगा इसमें। ठीक है, लोग सिर्फ स्टंटिंग बताते हैं, लेकिन काफ़ी आप बुक में देखेंगे इसके मतलब माल न्यूट्रिशन में वेस्टिंग को भी कंसिडर किया जाता है। सो आई एम कंसिडरिंग वेस्टिंग एज वेल। फाइन, तो अब हम बात कर रहे थे कि कैसे कैसे डिप्राइव हो गए हेल्थ में। अगर समझ गए चाइल्ड मोर्टिलिटी हो गई तो आप डिप्राइव हो गए, अगर आपको माल न्यूट्रिशन हो गया तो आप डिप्राइव हो गए। और ये MDP ये कहता है कि अगर 10 में से, ठीक है, 10 में से अगर आप एक या एक से ज़्यादा किसी भी फैक्टर में डिप्राइव हो गए तो आप ऑटोमेटिकली पुअर हो जाओगे। ठीक है, इसका इंडेक्स का कहना ये है। तो अभी तक हमने दो पैरामीटर देखे, आगे भी पैरामीटर देखे हैं। आगे का पैरामीटर है एजुकेशन का। एजुकेशन में भी दो पैरामीटर मैं आपको बता चुका हूँ। एजुकेशन का पैरामीटर ये है कि अगर किसी भी बंदे ने 6 साल से कम की अगर स्कूलिंग हासिल की है तो ही विल कंसिडर एज पुअर, ही विल कंसिडर एज पुअर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फैमिली में कोई भी बंदा है जिसने 6 साल से कम की पढ़ाई की हो, उसे हम पुअर कहेंगे। ठीक है, फिर दूसरा पैरामीटर में ये है कि आप सब जानते हैं कि दैट मीन्स की एक एज ग्रुप होती है पढ़ाई की, दैट मीन्स 1-8 क्लास की एक एज ग्रुप होती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं एज ग्रुप क्या होगी 1-8 की, आप कह सकते हैं कि दैट मीन्स 4 से आप 12 साल रख लीजिए। ठीक है, डिफरेंट वेरी भी कर सकती है, बट मान लीजिए आप 4 से 12 साल आपने रख लिया। 4 से 12 साल के दैट मीन्स एज ग्रुप में कितने बच्चे 1-8 क्लास अटेंड नहीं किए हैं, ठीक है, 1-8 क्लास अटेंड नहीं किए हैं, तो वो सब पुअर मारे जाएंगे। जिन्होंने अटेंड किया वो लोग पुअर नहीं मारे जाएंगे, लेकिन जिन्होंने अटेंड नहीं किया वो लोग पुअर मारे जाएंगे। साथ ही साथ अगर कहीं पर ड्रॉप आउट रहा हो, मतलब एग्जाम्पल कोई अपने किसी ने फॉर एग्जाम्पल 4 साल में अपनी 1 क्लास चालू कर दी, लेकिन वो हो सकता है कि अपनी 5 क्लास में ड्रॉप आउट कर गया, मतलब उसे अब नहीं पढ़ना है, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन आ गई, तो ही विल ऑल्सो बी कंसिडर एज पुअर। तो है अपने हेल्थ में कौन कौन से दो देखे, पहला तो चाइल्ड मोर्टिलिटी, दूसरा माल न्यूट्रिशन, और तीसरा है एजुकेशन में हमने देखा पैरामीटर, वो ये है कि अगर किसी बंदे ने 6 साल से कम की स्कूलिंग हासिल किया तो वो ही विल कंसिडर एज पुअर। और चौथा बताया गया कि अगर किसी ने 1-8 क्लास तक में अगर एडमिशन नहीं लिया एज ग्रुप में, देन ही विल कंसिडर एज पुअर। ठीक है, और ड्रॉप आउट याद रखिएगा। तो 4 पैरामीटर हो गए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम आखिरी के 6 पैरामीटर में आते हैं, ये सब इजी हैं, ये बस थोड़े चार टफ थे। आखिरी के 6 पैरामीटर कहते हैं, अगर आपके यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या फिर वाटर सप्लाई ना हो तो आप यू विल पुअर। अगर आपके पास अगर टॉयलेट ना हो, ठीक है, घर में टॉयलेट ना हो तो यू विल पुअर। अगर मान लो दो, फॉर एग्जाम्पल हमारे जॉइंट फैमिली रहती है, अगर उनका ये भी कहना है कि अगर आपके यहाँ 2-3 जॉइंट फैमिली मिलकर रहती है, अगर वो लोग एक ही टॉयलेट शेयर कर रहे हैं तो दे विल ऑल्सो बी कंसिडर एज पुअर। ठीक है, इसके बाद जो फ्लोर है, ठीक है, अगर आपका जो नीचे का जो फ्लोर है, ठीक है, समझते हो ना फ्लोर, दैट मीन जो जमीन रहती है, अगर वो प्लास्टर्ड नहीं है, ठीक है, अगर वो मड से बनी है तो देन पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। इसके बाद अगर आप खाने में वुड कोल और काउडंग यूज कर रहे हो, देन विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। अगर आपके घर में रेडियो नहीं है, रेडियो मतलब ऐसा नहीं कि आपके मोबाइल में रेडियो का, तो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज पुअर। मतलब आपके यहाँ रेडियो होना चाहिए, अलग से रेडियो दिखाई देना चाहिए, अलग से टीवी होनी चाहिए, अलग से रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, अलग से मोटरसाइकिल होनी चाहिए, अलग से साइकिल होनी चाहिए, अलग से कार होनी चाहिए, अलग से ट्रक होना चाहिए, और अलग से फोन भी होना चाहिए, ट्रक भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास ट्रक नहीं चाहिए, यू विल बी कंसिडर्ड एज पुअर। तो समझ रहे ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों इसे फॉल्टी कहा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉल्टी इसलिए कहा जस्ट बिकॉज, देखो अब कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यूपी जाओगे, मैंने काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं यूपी के, मैं उनसे बात करता हूँ तो बोलते हैं कि जब काफ़ी मुझे जब आसपास मिलते हैं हमारे एरिया में, कभी हमारी कुछ मीटिंग वोटिंग होती है, तो वो लोग बोलते हैं यार यहाँ मज़ा नहीं आता, यहाँ पर टॉयलेट में करना पड़ता है वो सब। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि भैया हमें तो खुले में मज़ा आता है, हमें टॉयलेट में मज़ा नहीं आया, बंद दीवारी में मज़ा नहीं आता, उनका कहना ये था। तो आप क्या कहेंगे, मतलब उनके पास बहुत पैसा है, ऐसा नहीं उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि हमें खुले में ज़्यादा मज़ा आता है, बंद दीवारी में मज़ा नहीं आता। तो अब आप क्या कहेंगे, बोले पुअर है उनके पास, लेकिन पैसा बहुत है, मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा पैसा है, तो दे आर नॉट पुअर। इन द सेम वे अगर आप हमारे गांव साइड आएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर जो घर अभी भी होते हैं, तो ऐसा नहीं कि पैसों की कमी है, लेकिन अभी वो दैट मीन्स जो गोबर होता है उससे अपने जो दैट मीन्स जो प्लास्टर रहता है उसको लीपते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो समझते हैं वो शुद्ध होता है, वो हमारा कल्चर है। तो आप क्या कहेंगे, बोले पुअर है, नॉट एट ऑल। अब एक बार ऐसे ही आगे के कुछ एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पर वुड अभी भी यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, उनके यहाँ सिलेंडर है,
है, दो दो तीन तीन सिलेंडर है, ब्लैक में सिलेंडर रखे रखा है, लेकिन वो लोग फिर भी यूज नहीं करते, बोलते हैं कि वो जो गैस का खाना रहता है उससे गैस होती है, तो दे विल नॉट, बोलते हैं कि चूल्हे का खाना अच्छा रहता है। इन द सेम वे आज के जमाने में रेडियो कौन रखता है, नो वन वॉन्ट टू लिसन रेडियो। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर कार है तो वाई विल आई हैव, दैट मीन्स मुझे साइकिल की जरूरत, मुझे ट्रक की क्या जरूरत भैया, ठीक है। तो ये सब जो बताया हमारे MDP ने, ये सब फॉल्टी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप सब जानते हैं इंडिया में अगर आप ऐसी चीज रखोगे तो सिंपल सी बात है, इंडिया में बहुत सारी चीजें लोगों के पास नहीं आ जाती। फॉर एग्जाम्पल कोई अमीर बंदा भी मुकेश अंबानी हो सकता है रेडियो ना रखता हो, इट इज पॉसिबिलिटी, हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है जो भी रेडियो अपना प्रेफर ना करता हो वो भी ट्रक ना रखता हो, ठीक है, हो सकता है वो भी साइकिल ना रखता हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अमीर बंदे भी ये सब चीजें रखना प्रेफर नहीं करते। द सेम वे एजुकेशन का तो हम चलो मान लेते हैं ठीक है कि एजुकेशन का सही है, लेकिन हेल्थ का भी ये सही नहीं था कि मतलब अमीर लोग क्या, तो मतलब आप थोड़े मोटे हो गए तो पुअर, ओके, तो ये भी सही नहीं, हो सकता है कि जो डेथ हुई हो 5 साल के बंदे के अंदर, हो सकता है कि सांप ने काट दिया हो, आपने वो देखा नहीं हो भैया, आपने चाइल्ड मोर्टेलिटी में डाल दिया, भी देखा कि 5 साल के अंदर डेथ हुई है, आपने चाइल्ड मोर्टेलिटी में डाल दिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला कि भैया ये सब आपका जो डेटा है सब फॉल्टी है, मतलब ये इंडिया में सही नहीं बैठता है। अगर आप इंडिया में, ऊपर से उन्होंने ये बोला कि आप किसी एक या एक से ज्यादा चीजों डिप्राइव्ड हो, मतलब 10 पैरामीटर निकाला, अगर आप उसमें दो चीजों डिप्राइव्ड हो तो यू विल बी कंसीडर्ड एज पुअर। फॉर एग्जांपल मैं तो इसमें अप्रॉक्सिमेटली 5 से 6 चीजों में डिप्राइव्ड हूँ, ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मैं पुअर हूँ? इट इज नॉट एट ऑल, बिकॉज आई एम अ सेमी एजुकेटेड पर्सन, आई एम गिविंग यू अ लेक्चर, आई एम हैविंग दिस लैपटॉप, आई एम दैट मीन्स प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर थ्रू अ गुड माइक यूजिंग गुड क्वालिटी ऑफ PPT। सो आप क्या कहना चाहते हैं, एम आई पुअर? यू नो आई एम नॉट अ पुअर, ठीक है, एटलीस्ट मैं पॉवर्टी लाइन से ऊपर हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे मैं पुअर हूँ? नहीं। तो ये डेटा गवर्नमेंट हमें बताना चाहती है कि ये जो ये है आपने ये डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से बनाया गया है, इसमें डेवलप्ड कंट्री सिंपल सी बात है टॉप ही करेंगी, ठीक है, हमारी तो कुछ ना कुछ औकात ही नहीं, इसलिए आपने बोल दिया 52% इंडियन पुअर है, बल्कि आपने देखा कि लोगों की मेंटेलिटी भी अलग है, यहाँ पर पैसा है लेकिन मेंटेलिटी के हिसाब से लोग टॉयलेट यूज नहीं कर रहे हैं, फ्लोर यूज नहीं कर रहे हैं, वुड यूज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स CNG यूज नहीं कर रहे हैं, तो हाउ कैन यू से दैट वी आर पुअर, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ढंग से एक्सेप्ट भी नहीं करती है, फाइन, इसलिए 52% वाला डेटा समझ रहे ना कि वो भी इस तरीके से फॉल्टी ही होगा। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी, पिछला लेक्चर जो है कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी में बड़ी मेहनत लगी थी श्री रंगराजन साहब को समझाने में, इकोनॉमी ऑफ स्केल यूज करके उन्होंने हमारी मेहनत बढ़ा दी थी, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, कि फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। देखो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है कि उनका, देख फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी जो इस शब्द का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो पॉवर्टी तो है, ठीक है, मानते हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी है, सब मानते हैं अमेरिका में पॉवर्टी है, लेकिन उसमें बोलते हैं कि जो फॉर एग्जाम्पल 50 लोग पुअर है, मान लो पूरे वर्ल्ड में से 50 लोग पुअर है, तो इनका कहना है कि इसमें से 40 वुमेन है, ठीक है, 40 से 45 वुमेन है, मतलब इसका ये कहना है कि जो पॉवर्टी ज्यादा है वो किसमें, वुमेन में जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि जो पॉवर्टी नाम का कॉन्सेप्ट है, जो गरीब है उसमें भी वुमेन ज्यादा है, इसलिए हमने फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी समझ रहे हैं, मतलब जो पॉवर्टी की स्टेट है दैट इज रिडन बाय फेमिनाइजेशन, ठीक है, उसे हम फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी बोलते हैं। अब उसके रीजन क्या है, देखो उसके रीजन बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स सबसे पहला रीजन तो यही होता है कि लैक ऑफ इनकम है, दैट मीन्स जो वुमेन रहती है उनके पास ज्यादा इनकम नहीं रहती है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है। सऊदी अरेबिया की बात करो, ठीक है, सऊदी अरेबिया में क्या है कि वहाँ पर पैसा बहुत है लोगों के पास, मतलब घरों में बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वहाँ जो वुमेन है वुमेन को पैसा नहीं दिया जाता है, मतलब घर के जो हाउस हेड रहते हैं, फैमिली हेड रहते हैं, वो लोग वुमेन को पैसा नहीं देते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी मतलब काम करने का मौका नहीं देते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इसी इन सब वजह से मतलब जो पुअर, दैट मीन्स जो वुमेन रहती है हमेशा डिपेंडेंट रहती है किस पे, मेल पे, इसलिए उसे पुअर माना जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ये फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी के अंदर पॉवर्टी कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो मदर्स रहती है ये लोग तो उन्हें भी पुअर मानते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनके पास खुद की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है, उनके पास खुद के पैसे नहीं रहते हैं, वो लोग अपने मेल काउंटर पार्ट पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो उन्हें ये लोग पुअर कहते हैं, फाइन। ऊपर से हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर है वो अकॉर्डिंग टू जेंडर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर कैसा डिवीजन ऑफ लेबर है, फॉर एग्जाम्पल घर का काम कौन करेगी, औरतें करेंगी, बाहर का काम लड़के करेंगे। अब सिंपल सी बात है, जब औरतें घर में काम करेंगी तो सिंपल सी बात है उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो तो अपना दिल खोल के मतलब घर में सबकी सेवा में लग जाती है, और जब बाहर से आप काम करोगे आप ऑटोमेटिकली पैसा आएगा, अगर यही औरतें बाहर जाके काम करना चालू कर दी उनके पास ही पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज है जिन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर करके रखा, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये डिसाइड करके रखा कि घर में कौन काम करेगा और बाहर कौन काम करेगा, ठीक है। घर में कौन, अगर घर में काम करो सिंपल सी बात है पास पैसे नहीं आएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो वुमेन उनके पास पैसे नहीं रहते और ये लोग उन्हें पुअर कहते हैं, ठीक है। सिंपल ये अलग गलत बात भी नहीं कि ये लोग पुअर है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कभी जो फॉर एग्जाम्पल लेबर फैमिली पे जाता है, ठीक है, लेबर फैमिली में मान लीजिए जो वुमेन है सिर्फ से घर का काम करती है तो उसके पास खुद की कमाई नहीं है, और जिसका जो बाहर हस्बैंड है वो लेबरगिरी करता है और उसे पैसे देता है, फॉर एग्जाम्पल कभी इसकी डेथ हो गई तो क्या होगा, जो पॉवर्टी है वो और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी, इसलिए इन्हें पुअर कहा जाता है, ठीक है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ इनकम, ये सब तो बता ही चुका हूँ।
ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर भी समझ चुका हूँ। बस एक और सबसे बड़ा फैक्टर है जो दैट मीन्स वुमेन में पॉवर्टी बढ़ाता है, वो है दैट मीन्स ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया। दैट मीन्स हमारे इंडिया में क्या कहा जाता है कि जो वुमेन होती हैं उन्हें आगे जाके जॉब तो करना ही नहीं है, तो उन्हें एजुकेशन क्यों दी जाए, ठीक है, उन्हें एजुकेशन क्यों दिया जाए, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या रहता है कि लिटरेसी कम आती है, मतलब वो लोग कम पढ़ लिख पाती है। जब वो लोग कम पढ़ी लिखी रहती है तो उनको जॉब ही नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो लोग हमेशा पुअर ही रह जाती है, ठीक है, ये भी एक और रीज़न है। फिर दूसरा रीज़न ये है, मतलब जो लोग दैट मीन्स वुमेन को नहीं पढ़ाया जाता, उसमें बोला जाता है दैट मीन्स अगर आप यूपी साइड जाएंगे तो वहाँ पर ये बोला जाता है वुमेन को ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए, दैट मीन्स अगर आप याद हो आपने शादी में जरूर आना मूवी में भी, जिसके पिताजी रहते हैं वो बोलते हैं अपनी बेटी को, बेटा ज़्यादा मत पढ़ लो, इतना मत पढ़ लो कि तुम्हारे लायक कोई लड़का ना मिल पाए। और जैसे लड़का मिलता है वो भी घर में क्लर्क रहता है शुरू शुरू में, तो बाद में IAS बन जाता है, बात की बात है, लेकिन शुरू में तो क्लर्क रहता है ना। आपने कहा मतलब उसकी क्वालिटी क्या थी, वो MA टॉपर थी, अपने कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट थी MA में, और बंदा क्या था, सिंपल सा क्लर्क था। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है जो वुमेन ज़्यादा पढ़ लिख जाए उसके लिए, मतलब इतना दैट मीन्स पावरफुल, मतलब सेम लेवल पे क्या ढूंढना, हमारे लिए काउंटर पार्ट ढूंढना। अगर मिलता है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर वुमेन MA है तो वो MA वाले लड़के को ढूंढेगी, MA वाला लड़का ज़्यादा दहेज मांगता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ रीजन हैं, और भी रीज़न है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जो सोसाइटी है पैट्रियार्कल है, ठीक है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब ये कि यहाँ पर मेल चाइल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, पुरुष प्रधान देश है हमारा, ठीक है। अब जब मेल बंदे को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है गर्ल चाइल्ड को कम प्रायोरिटी दे रहे, अब गर्ल चाइल्ड को कम दैट मीन्स उसको दैट मीन्स प्रायोरिटी कम देगो तो उसे आप खाना भी कम दोगे, हेल्थ फैसिलिटीज भी कम दोगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ वुमेन का क्या रहता है, अगर वुमेन बीमार होती है तो उसको थोड़ा टाइम तक वेट करवाते हैं, हाँ चलो एक दिन में ठीक हो जाएगी, 3-4 दिन ठीक हो जाएगी, जब बिल्कुल कंडीशन खराब हो जाती है नहीं, अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाएगी, उसके बाद ही हम उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। फूड भी उसे कम देते हैं, आप सब जानते हैं हमारे यहाँ जो हमारी मदर्स रहती है वो एट द एंड फूड खाती है, क्यों एट द एंड खाती है, जस्ट बिकॉज की जो मेल चाइल्ड है उसको ज़्यादा फूड मिल पाए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वुमेन में माल न्यूट्रिशन कंडीशन रहती है। मैं बता रहा था ना हमारे जो लेबर्स आती हैं, जो फीमेल लेबर्स आती है उनका क्या रहता है कि वो दे आर सफरिंग फ्रॉम स्टंटिंग, जस्ट बिकॉज ये सब रीज़न है, ठीक है। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से उनके बाद जब ज़्यादा मेहनत काम जब खाना नहीं खा पाते तो वो लोग काम भी कहाँ से करेंगे, ठीक है, पैसे भी कहाँ से, काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे, सिंपल सी बात। और एक और रीज़न है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन रहती है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहती है, वो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं रहती है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर कंप्लीट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, कंप्लीट लेबर लॉज हो, 8 घंटे ही काम करना है, फिक्स सैलरी हो, एंड ऑल दिस थिंग, पूरा प्रोविडेंट फंड हो, ये सब चीज़ें अवेलेबल हो, ठीक है। वो मेजर कहाँ काम करती हैं, हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या रहता है कि वहाँ पर कोई लेबर लॉज नहीं रहते हैं और ऊपर से उन्हें मैन से कम वेजेस दिया जाता है। अगर आप खुद किसी गाँव में जाएंगे, अगर पूछेंगे जो वुमेन खेत में काम करती है उन्हें मेल के काउंटर पार्ट में कम पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, याद रखना ये। इसके बाद जो वुमेन रहती हैं वो मैं बता चुका हूँ मेल पर डिपेंड करती हैं। अगर उनका जो हेड है, मतलब जो मेल काउंटर पार्ट है, अगर वो डेड हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो वो कंप्लीट एक्यूट पॉवर्टी झेलना चालू कर देंगे वुमेन, ठीक है। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी हो रहा है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी को फिर बात कराता हूँ। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है कि जो पॉवर्टी है वो अमंग द वुमेन ज़्यादा है, मेल में कम, ठीक है। और ये सब रीज़न मैंने आपको बताया, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, इसके बाद मेल काउंटर पार्ट पर डिपेंड रहती है, फैमिली में कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऑल दीज थिंग्स एंड यू आर कॉल्ड एज फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। And in the next lecture we will decide that how government is handling poverty, ठीक है। थोड़ा सा बस और बचा है जिसमें आपको मैं क्या बताऊँगा, ये आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बताऊँगा, फाइन। सो दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ पॉवर्टी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 4। थैंक यू वेरी मच।